नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सरल सोशियोलॉजी में। आज बात करेंगे एमसीक्यूज की, जिसका हम पार्ट वन देखेंगे। और टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हर्बर्ट स्पेंसर्स कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस इज प्राइमरली यूज बाय विच ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट? कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट, फंक्शनलिस्ट, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट और रिलेशनिस्ट? तो ऑब्वियसली द आंसर इज बी, दैट इज फंक्शनलिस्ट, बिकॉज फंक्शनलिस्ट यूज स्पेंसर्स आइडिया ऑफ फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस टू स्टडी द सोसाइटी। सेकेंड क्वेश्चन, दुर्खिम्स वर्क लार्जली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश, विच यू बिलीव वॉज द की टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ। सो द आंसर इज ए, सॉलिडैरिटी, नॉट एक्शन, नॉट डिविजन, नॉट कंफ्लिक्ट। आंसर इज ए, बिकॉज सोशल सॉलिडैरिटी वॉज एक्चुअली द की कॉन्सेप्ट ऑफ दुर्खिम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन, इन दुर्खिम्स व्यू सोसाइटी इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, दिस पर्सपेक्टिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट? फंक्शनलिज्म, होलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म? क्वेश्चन को समझिए। दुर्खिम के व्यू में सोसाइटी इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो सम ऑफ पार्ट से ज़्यादा है। तो जब सम ऑफ पार्ट से ज़्यादा हम किसी चीज़ को कहते हैं तो वो होलिज्म में आता है, तो दैट इज सोशल होलिज्म। तो आंसर इज बी। फोर्थ क्वेश्चन, मैक्स वेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी इज मोस्ट रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप इन डैश। जो मैक्स वेबर है वो अथॉरिटी को कहाँ पर समझते हैं, किस तरह की लीडरशिप में अथॉरिटी को समझते हैं? ए, रिलीजियस में, पॉलिटिकल में, ब्यूरोक्रेटिक में, या सभी में? ऑब्वियसली वो सभी की बात करते हैं, है ना। वो रिलीजियस की बात भी करते हैं, पॉलिटिकल की बात भी करते हैं और ब्यूरोक्रेटिक की बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने अथॉरिटी के तीन टाइप दिए हैं, कैरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल और रैशनल लीडर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ पांचवा प्रश्न, अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खिम, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड फोकवेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? डैश, क्या हैं ये? इंस्टीट्यूशन है, सोशल सॉलिडारिटी है, सोशल फैक्ट है, या सोशल एक्शंस हैं? तो ऑब्वियसली दुर्खिम के अनुसार कस्टम, ट्रेडिशन, फॉकवेज, रिलीजन, ये सब क्या है? ये सोशल फैक्ट हैं। तो छठा प्रश्न हो, इसका आंसर हो जाएगा सॉरी सी, पांचवे का सी, ठीक है। अच्छा, छठा क्वेश्चन, अगस्ट कॉम्टेज व्यू सोसाइटी एज, अच्छा दिस इज असर्शन रीजन। छठा क्वेश्चन का असर्शन इज ए, अगस्ट कॉम्टे व्यूड सोसाइटी एज प्रोग्रेसिव थ्रू थ्री स्टेजेस। बिल्कुल सही, तीन स्टेजेस की बात करते हैं। रीजन है, द स्टेजेस आर थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड फिलोसफिकल। क्या ये सही है? पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरे में जो तीसरी स्टेज है वो गलत है, वो फिलोसफिकल नहीं है, वो है साइंटिफिक स्टेज। सो द ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आंसर इज सी। तो फिलोसफिकल की जगह क्या होगा? साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेट्स भी कहा जाता है। इसके बाद वाला प्रश्न भी असर्शन रीजन का ही है। असर्शन है, इमाइल दुर्खिम बिलीव इन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। बिल्कुल सही, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इज फाउंड इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि मैकेनिकल इंडस्ट्रियल नहीं, सिंपल सोसाइटीज़ में पाया जाता है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में पाया जाता है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है वो पाई जाती है आपकी किसमें, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें, यानी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज ओके। ये है मैच द फॉलोइंग, एक तरफ हमें सोशियोलॉजिस्ट दिए हैं, दूसरी तरफ क्वांटम के कंट्रीब्यूशन हमें मैच करना है, किसने क्या दिया है। सो अगस्त कॉम्टे साहब ने दिया है हमारा स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, बिल्कुल। एमाइल दुर्खिम ने सोशल फैक्ट,
मैक्स वेबर एंड टाइप्स ऑफ अथॉरिटी और कार्ल मार्क्स ने स्ट्रगल, यानी ए का तीन, बी का एक, ए का तीन और बी का एक, हमें आंसर मिल गया, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोड बेस। प्लेस द फॉलोइंग वर्क्स इन द ऑर्डर दे वर पब्लिश्ड। ये कुछ बुक्स हैं जो विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट ने लिखी है, जैसे रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड, इमैनुअल दुर्खिम की बुक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की है, और प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मैक्स वेबर की है। तो ये कब कब पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई थी, तो पहला नंबर दो हो जाएगा। और उसके बाद 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड, और लास्ट में 1905 में प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित हुई थी। तो आंसर होगा 213, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ ईयर्स। इनका जन्म कब हुआ है इन सोशियोलॉजिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल दुर्खिम एंड ऑगस्ट कॉम्टे। तो हम जानते हैं सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे का ही जन्म 1798 में हुआ है, फिर 1818 में कार्ल मार्क्स का हुआ है, फिर दुर्खिम 1858 में, और लास्ट में वेबर 1864 में। तो 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज दुर्खिम्स रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड पब्लिश। ये जस्ट अभी एक रात क्वेश्चन पहले हमने देखा, एक दो क्वेश्चन पहले ये हुआ था 1895 में, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड, दुर्खिम की एक बहुत फेमस किताब है जो 1895 में प्रकाशित हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमैनुअल दुर्खिम्स सोशियोलॉजी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी कहने का मतलब है इमैनुअल दुर्खिम इनमें से किन किन एस्पेक्ट के बारे में, किन किन पहलुओं के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इमैनुअल दुर्खिम को डीपली पढ़ें तो हम पाते हैं कि वो रिलीजन के बारे में भी बात करते हैं, लॉ के बारे में भी बात करते हैं, है ना, जैसे प्रेस्टिट्यूटिव लॉ, रिप्रेसिव लॉ, और इकोनॉमी के बारे में भी बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कॉम्टेज मेटाफिजिकल स्टेज ऑफ सोसाइटी इज कैरेक्टराइज बाय द बिलीफ इन डैश। कॉम्टे का जो मेटाफिजिकल स्टेज था सोसाइटी का, वो किस चीज से कैरेक्टराइज होता है, डिवाइन फोर्सेस से, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल रीजनिंग से, साइंटिफिक लॉ से, या कैपिटलिस्ट टेंडेंसी से। तो मेटाफिजिकल जो बीच वाली स्टेज थी, सेकेंड स्टेज थी, उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे व्यू सोशियोलॉजी एज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस एमिंग टू स्टडी सोसाइटी थ्रू डैश। तो उन्होंने क्या देखा, कि ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या देखा कि जो सोशियोलॉजी है वो क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस है, और ये कैसे पढ़ेगी सोसाइटी को, किन तरीक़ों से पढ़ेगी, पॉजिटिविस्ट वे में पढ़ेगी। और पॉजिटिविस्ट वे क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है सोसाइटी को पढ़ने का। तो साइंटिफिक लॉज इसका सही आंसर होगा, आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। ओके, ए, ही आइडेंटिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ही कैटेगराइज अथॉरिटीज एज ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड रैशनल लीगल, ये भी ठीक है। ही इक्वेटेड अथॉरिटी विथ क्लास कन्फ्लिक्ट, सोचना पड़ेगा। ही लिंक्ड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी टू पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा, उन्होंने कभी भी अथॉरिटी को क्लास कन्फ्लिक्ट के साथ इक्वेट नहीं किया। तो सी इज द राइट आंसर, यानी सी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, असर्शन रीजन, इमैनुअल दुर्खिम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जी बिल्कुल किया था इन्होंने।
एंड रीज़न है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी रिफर्स टू द सोशल कोहिजन बेस्ड ऑन शेयर्ड बिलीव्स एंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। अगेन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी ट्रेडिशनल में नहीं, मॉडर्न सोसाइटीज़ और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में होता है ना, और ट्रेडिशनल में मैकेनिकल होता है। तो इसलिए ए तो सही है, ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज ट्रू। अगेन अनदर इज ऑल्सो असर्शन रीजन क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट क्लास स्ट्रगल डिराइव सोशल चेंज। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स थ्योरी फोकसेस ऑन कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। नहीं, मार्क्स ने कभी भी रिलीजियस ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट की बात तो कभी की ही नहीं है। तो पहला तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज? अ गवर्नमेंट पासिंग न्यू लॉ, फैमिली गैदरिंग फॉर अ हॉलीडे, अ कम्युनिटी होस्टिंग अ लोकल फेयर, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीटिंग फॉर कॉफी। तो इसमें से कौन सा सोशल चेंज लाएगा समाज में? क्या फैमिली की गैदरिंग, या कम्युनिटी की होस्टिंग, कोई लोकल फेयर, या दोस्त चाय कॉफ़ी पे मिल रहे हैं, या गवर्नमेंट कोई रूल पास कर रही है? तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट पासिंग न्यू रूल्स, कोई नया रूल्स डोमेस्टिक वायलेंस को अबॉलिश करने के लिए, चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने के लिए, है ना, विडो री मैरिज को प्रमोट करने के लिए। तो दैट इज ए, ए इज द करेक्ट। सॉरी, यू ऑब्जर्व दैट अ सोसाइटी हैज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट गवर्निंग इंट्रैक्शन अमंग पीपल, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोसाइटी। आपने ऑब्जर्व किया कि एक सोसाइटी में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो लॉज और कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता है, तो वो किस तरह की सोसाइटी होगी? वो समुदायात्मक समाज होगा यानी गैमिन शेफ्ट होगा, वो समितात्मक समाज यानी समिति युक्त समाज होगा यानी गेसल शेफ्ट होगा, वो रूरल होगा या प्रिमिटिव होगा। देखिए, समिति ही लॉज और कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होती है। तो बी जो टॉनीज ने दिए हैं हमें, गैमिन शेफ्ट और गेसल शेफ्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर, समितात्मक समाज यानी गेसल शेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अरेंज द फॉलोइंग सोशल इंस्टीट्यूशन इन देयर लाइकली ऑर्डर ऑफ एमरजेंस इन द सोसाइटी। ये कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन और बताना है हमें कि समाज में आए किस क्रम में होंगे, कौन पहले और कौन बाद में। देखते हैं, फैमिली है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरोक्रेसी है। तो आपको बताना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में। तो सबसे पहले जो समाज में आया इंस्टीट्यूशन वो था परिवार, ठीक है, और परिवार के बाद आया आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद शिक्षा से संबंधित जो संस्थान थे वो आए, और लास्ट में हमारा ब्यूरोक्रेसी आया, ठीक है, यानी ए बी सी डी, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल प्रोसेस? इसमें सोशल प्रोसेस कौन सा है? अ क्लासरूम टीचर असाइनिंग ग्रेड्स, अ फैमिली गैदरिंग फॉर रिलीजियस फेस्टिवल, कॉरपोरेशन मर्जिंग विद अनदर, सॉरी अ कॉरपोरेशन मर्जिंग विद अनदर कंपनी, ग्रुप ऑफ पीपल इंगेजिंग इन कन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज। तो प्रोसेस कौन सा है? देखिए, प्रोसेस है कन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, कंपटीशन, ये सब क्या होते हैं? सोशल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हमें एक ही जगह पे नज़र आ रहा है, वो है डी में, कि कुछ लोग कुछ रिसोर्सेस के लिए आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोशियोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ रूरल कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिटी ओवर टाइम। दिस सोशियोलॉजिस्ट इज स्टडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोसेस, सोशल इवोल्यूशन, सोशल कंट्रोल। यानी एक सोशियोलॉजिस्ट है जो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि कैसे एक रूरल कम्युनिटी कुछ समय बाद, यानी एक लंबे अंतराल के बाद, एक शहर में परिवर्तित हो जाती है। तो असल में ये सोशियोलॉजिस्ट क्या स्टडी कर रहे हैं? ये स्टडी कर रहे हैं सोशल इवोल्यूशन, कि कैसे एक रूरल कम्युनिटी इवॉल्व होती है एक
सिटी में? तो आंसर इज सी, सोशल इवोल्यूशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन हेल्प मीट द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ ओनली। नहीं, रूल ऑफ लॉ तो नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रूल ऑफ लॉ इज इन्फोर्स बाय अथॉरिटी और गवर्नमेंट। सो सोशल इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, इनको इन्फोर्स करते हैं, लॉ को इन्फोर्स नहीं करते हैं। तो बी, सॉरी, रीजन आपका गलत हो जाएगा, ए आपका सही होगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अगेन असर्शन रीजन। सोशियोलॉजी स्टडीज हाउ एंड व्हाई सोसाइटी चेंजेस, बिकॉज सोशियोलॉजी इज ओनली कंसर्न विद प्रिमिटिव सोसाइटीज। सोशियोलॉजी स्टडीज हाउ एंड व्हाई सोसाइटी चेंजेस, ये तो ठीक है, हम स्टडी करते हैं कि समाज क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, इट्स ओके, ए इज करेक्ट। लेकिन क्या सोशियोलॉजी सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज को ही पढ़ता है? नहीं, सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटीज को भी पढ़ता है, प्रिमिटिव को भी पढ़ता है, ट्राइबल को भी पढ़ता है सबको पढ़ता है। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक क्वेश्चन एड्रेस बाय सोशियोलॉजी। इनमें से कौन सा एक बेसिक क्वेश्चन है जिसे सोशियोलॉजी एड्रेस नहीं करता? पहला, हाउ सोसाइटीज एमर्ज, समाज कैसे एमर्ज हुआ, कैसे वो परसिस्ट करता है, कैसे वो चेंज करता है, और कैसे सोसाइटी अपने को गवर्न करती है। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता सोशियोलॉजी किस प्रश्न पर, किस क्वेश्चन पर, वो है आपका डी, कि सोसाइटी गवर्न कैसे करती है, क्योंकि ये ध्यान दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस द्वारा, है ना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, पेयर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज। ओके, गेमेंशिया प्राइमरी ग्रुप, यानी गेमेंशिया मतलब समुदाय, समुदाय प्राइमरी ग्रुप होता है, बिल्कुल सही बात है। गेसेलशिप समुदाय, सॉरी समिति, जो एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यस ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में, यानी प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में जो अंतर है, उनमें से कौन सा ए बी सी में बता रहा है आपको? पहला, ये देखें, प्राइमरी ग्रुप इन्वॉल्व लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल सेकेंडरी ग्रुप डू नॉट, गलत है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है प्राइमरी ग्रुप में। बी, प्राइमरी ग्रुप इन्वॉल्व कैजुअल इंटरेक्शन वाइल सेकेंडरी ग्रुप आर इमोशनली इन्वॉल्व, ये भी गलत है, इमोशंस प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी ग्रुप फोकस ऑन क्लोज रिलेशनशिप, बिल्कुल, जैसे परिवार वगैरह, वाइल सेकेंडरी ग्रुप फोकस ऑन टास्क स्पेसिफिक, जैसे ऑफिस, स्कूल वगैरह, कॉलेजेस। एंड डी, प्राइमरी ग्रुप्स आर वर्क रिलेटेड, नहीं। तो सी इसका सही आंसर होगा, कि प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, परिवार, मित्र मंडली आदि, और सेकेंडरी ग्रुप जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, जैसे ऑफिसेस हो गए, कॉरपोरेट वगैरह आदि। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। ओके, इन सोशियोलॉजी अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन, टू और मोर पर्सन, फाइव और मोर पर्सन, एनी नंबर ऑफ पर्सन। तो सोशियोलॉजी में ग्रुप बनने के लिए कितने पर्सन चाहिए होते हैं? ऑब्वियसली इसका आंसर है बी, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू पर्सन, क्योंकि जब दो या दो से अधिक लोग होंगे तभी तो उनके बीच इंट्रैक्शन होगा, है ना। तो मोस्ट फंडामेंटली वी रिक्वायर टू पर्सन टू स्टार्ट अ ग्रुप सो दैट इंट्रैक्शन कुड सस्टेन। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोशियोलॉजीज रूल, सॉरी रोल, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोशियोलॉजीज रोल। तो मेरे ख्याल से सोशियोलॉजिस्ट रोल होगा, चलिए कोई बात नहीं। सोशियोलॉजिस्ट आर मेनली कंसर्न विद इकोनॉमिक प्लानिंग, नहीं। सोशियोलॉजिस्ट मस्ट टेक एन एक्टिव रोल ऑन रिफॉर्मिंग सोशल स्ट्रक्चर्स, नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है। सोशियोलॉजी इज प्राइमरीली
टूल फॉर सोशल वर्क नहीं, सोशियोलॉजिस्ट मेंटेन वैल्यू न्यूट्रलिटी इन देयर एनालिसिस। दिस इज द करेक्ट आंसर डी। सोशियोलॉजिस्ट सिर्फ स्टडी करते हैं, जो जैसा है उसको एक वैल्यू न्यूट्रल वे में, एक अनबायस्ड वे में स्टडी करते हैं, विदाउट एनी गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय एनी वैल्यू और एनी काइंड ऑफ प्रेशर और समथिंग लाइक दैट। सो विदाउट एनी वैल्यू प्रेशर दे स्टडी द सोसाइटी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेबेंस कल्चर इज अ सोसाइटीज व्हाट? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, वे ऑफ लाइफ, लीगल फ्रेमवर्क। तो स्टेबेंस के अनुसार कल्चर क्या है सोसाइटी का? तो वो है सी, वे ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, स्टेबेंस के अनुसार कल्चर सोसाइटी में वे ऑफ लाइफ है। सी इज द करेक्ट आंसर, वे ऑफ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, ये थे कुछ 30-35 बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड। आगे मैं कुछ और प्रश्न लेके आऊँगा, एंड दिस क्वेश्चन आर एक्चुअली मेंट फॉर दोज पीपल हु आर डन विद देयर मास्टर्स एंड बैचलर्स इन सोशियोलॉजी एंड प्रिपेयरिंग फॉर सोशियोलॉजी नेट सेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन विच सोशियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कम विद फ्यू मोर क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद।